हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट शेख उस्मान, अलीशा, मोबी योगी और राजा हमजा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अलग किस्म की वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। ये वीडियो हमारे दोस्त राजा हमजा ने डिसाइड की है। तो ये वीडियो है दोस्तों ब्रेंटन ग्रीनी के बारे में। ये वो बंदा है जिसने पबजी गेम बनाई है, उठना ठीक है, जो कि अली खेलते हो ना यार? मैं खेलता हूँ दिन में कम से कम 4-5 घंटे में लाजमी खेलता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप में से कोई खेलता हो? नहीं, आप गेम नहीं में खेलता, झूठ बोल रहे। ओके, तो दोस्तों बगैर आप लोगों के टाइम जाए के चले ही चलते हैं वीडियो प्ले करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतालिक ना सुना हो। बच्चे हो या बड़े, सब पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की जिंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूं ब्रेंडन ग्रीन की। ब्रेंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि यह आदमी बेरोजगार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रेंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने करियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी था। यानी ब्रेंडन अपनी जिंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेबसाइट्स को डिजाइन करके गुजार रहा था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। ब्रेंडन की लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था। इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और इसीलिए इसने ब्राजील जाने का फैसला किया। ब्राजील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था, और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्दी ब्रेंडन ने इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रेंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन जिंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं, और यही कुछ ब्रेंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राजील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रेंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसीलिए ब्रेंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि इसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रेंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर, 2014 में पैसे जमा कर इसने जहाज की टिकट खरीद ली और ये आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहां भी खत्म नहीं हुआ। ब्रेंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहां तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। यानी इसको आयरलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी, क्योंकि ये बेरोजगार था। ब्रेंडन के लिए इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो गया था और इसकी जिंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और ये अब अपने पेरेंट्स के घर में रहता था, और इसके पेरेंट्स ब्रेंडन के लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों, ब्रेंडन के पास करने को कुछ और नहीं था, तो इसने फ्री गेमिंग मॉड्स बनाने शुरू कर दिए। ब्रेंडन को एक जापानीज फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में भी दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर खुद को जॉम्बी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक मॉड बना लिया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिजाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रेंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में जो इसने मॉड बनाया था वो काफी मशहूर हो गया, और ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी गेम कंपनी की तरफ से एक कॉल आई, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफर की। ब्रेंडन बहुत खुश था। ये फॉरेन वेलफेयर ऑफिस गया और इसने उनको कहा कि इससे अब वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं है,
सोनी के साथ ब्रेंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने रापता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूं ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रेंडन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज करता था और इसने उसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और यहीं से ब्रेंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए, और पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थीं और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रेंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रेंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रेंडन की आज नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर्स है, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रेंडन एम्स्टरडेम में रहता है और 43 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी ये अभी भी सिंपल लाइफ गुजारता है। बिजनेस इंसाइडर को एक इंटरव्यू में ब्रेंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रेंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाजे है कि आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी जिंदगी किसी वक्त भी तब्दील कर सकते हैं। ब्रेंडन इसी की एक मिसाल है। ओके, तो दोस्तों, तो यार वीडियो तो मैं अभी को वीडियो में तो सिर्फ इमेजेस ही लगे थे, लेकिन नॉलेज उस बंदे ने बहुत कमाल कर दिया। तो सबसे पहले तो भाई अली, आपसे हूं मैं, क्या सबक मिला है, क्या चीज अच्छी लगी? मुझे तो इसमें बहुत कुछ पसंद आया, खसूसन उसकी हिम्मत। ठीक है, कैसे वो वेलफेयर के पैसों पे पलता था, कैसे उसकी तलाक हुई, उसके बावजूद एक बेटी लेके उसने पैसे जमा करके वापस अपने मुल्क आया। वहां के उसने जैसे भी वो गेमों में इंटरेस्टिंग हुआ, जैसे भी हुआ ऑनलाइन में, किस्मत का दरवाजा उसने खोला अपना। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी। ये कह सकते हैं कि आइडियल हो सकते हैं आने वाले जनरेशन के लिए। जी, बात वही आ जाती है, जो मर्जी हो जाए हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत नहीं कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा जी, मुबीन, आपको? मुझे ये पसंद है कि अभी तक वो अपनी सादगी जिंदगी जी रहे हैं, कि बंदे को पैसे आ जाए तो बंदे को ये नहीं चाहिए कि रोना अपने सिर पे चढ़े, जैसी है तो वैसे ही है। और सबक यही है इसमें कि ट्राई अगेन टू सक्सीड। गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमजा? और मुझे तो सारी मैंने देखी है, माशाल्लाह अच्छी वीडियो है। इसमें ज्यादा चीज मुझे अच्छी यही लगी है, जैसे मुनीम ने बताया, मोबी ने, कि गुरूर उस बंदे में नहीं आया जिस तरह की वो सादगी जिंदगी पहले जी रहा था जब उसके पास पैसा नहीं था। उसी तरह से आज वो करोड़पति है, उसके बावजूद भी वही जिंदगी आज भी वो बसर कर रहा है। करोड़पति, 320 करोड़। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं सारा कुछ बंद करो, कोई गेम ही डिजाइन करो साथ में। ठीक है, जैसा कि आपने सुना साहब भाई कमेंट्स, तो आप चलते हैं हमारे होस्ट, हमारे दोस्त शेख उस्मान की जानिब। इनके बड़े मुंह से सुनते हैं ये क्या कहते हैं। जी उस्मान भाई, पैसा 320 करोड़। अच्छा, छत से गिरने वाला नहीं है। अच्छा यार, सारी वीडियो पसंद आई थी। मैं खुद पबजी बहुत ज्यादा खेलता हूँ, मैं कम से कम दिन में बैड ब्रदर्स 4 से 5 घंटे में लाजमी खेलता हूँ पबजी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसका मुझे ये पसंद आई यार, उसकी देख तलाक हो गई है, वो एक गैर मुल्क में है, वो अपने मुल्क में पसंद आई है। नहीं, मैं तलाक पसंद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी देख तलाक हो गई है अली भाई, उसके पास पैसे नहीं है, वो अपने मुल्क में नहीं है, उसके रोटी पानी वो कैसे कर रहे हैं, वो बेरोजगार है, हिम्मत नहीं आ रही, सिर्फ गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर रही है। ठीक है, और वो कहीं से उसको हेल्प नहीं मिल रही, उसकी हिम्मत देख, वो उसने कैसा वक्त गुजारा है जी। तो उस्मान भाई को भी काफी अच्छी चीजें लगी, पबजी बनाने वाले तनु का सलाम करने दिल करता है। यू आर ग्रेट मैन ब्रो,
ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਬਾਈ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੋ ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਜੀਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੋ ਬਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਤਾਈਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਜੀਏਗਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਈਏਗਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਬੜਾ ਘੰਟੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼